हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं आलू की टिक्की हम घर पर कैसे बना सकते हैं, वो भी सिंपल तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट आलू की टिक्की बनती है। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लेंगे 5 से 6 उबले हुए आलू, और ध्यान रखें कि आलू को बॉयल करने के बाद आप उसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर और उसके बाद ही उन्हें यूज़ करें। आलू टिक्की बनाने के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो हमें चाहिए धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काला नमक, कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक स्वाद अनुसार और हरा धनिया कटा हुआ। तो हमने आलू टिक्की को बाइंड करने के लिए मैदा लिया है 1 कप। तो अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे मैदा यूज़ किया है। और आलू टिक्की को बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम, हम इसमें कोट करके आलू टिक्की को फ्राई करेंगे। तो गाइस चलिए हम बताते हैं कैसे बनाई जाती है आलू टिक्की। तो ऐसे हमने इनको पूरी तरह से मैश कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक स्वाद अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्च, काला नमक। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, थोड़ा सा मैदा। तो हमने सब कुछ मिक्स करके ऐसे बना के रख लेना है। जब तक हमारा पैन में तेल गर्म होता है हम टिक्कियां बना के रख लेंगे गोल गोल। अब हम इसमें ब्रेड क्रम लगा लेंगे, इसी तरह हम सारी टिक्कियां बना के रख लेंगे। तो हमने इसी तरह सारी टिक्की बना ली है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके इन टिक्की को फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, घर पे ज़रूर बनाइए आप भी इसे। काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है इनका, आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियां बना ली है, तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट टिक्कियां बनती हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ऐसी ही आपको यूनिक रेसिपी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।